हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख नृत्यों के बारे में, जिसमें पहला नृत्य आता है बम नृत्य। ये मुख्यतः मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। होली के समय फसल कटाई के अवसर पर नृत्य किया जाता है। मुख्यतः पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है और इसमें एक बड़ा नगाड़ा वाद्य यंत्र के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसको बम कहा जाता है। दूसरा नृत्य आता है ढोल नृत्य, जो जालौर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सरगड़ा में ढोली जाति के द्वारा ये किया जाता है। विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें जो एक नहीं अनेक ढोल एक साथ बजाए जाते हैं, और जिसमें जो मुख्य ढोल बजाने वाला होता है वो बड़ा ढोल होता है और उसको थाकना शैली में बजाया जाता है। उसके बाद में आप आता है डांग नृत्य, जो अपने नाथद्वारा क्षेत्र में है। होली के अवसर पर किया जाता है और एक ये एक युगल नृत्य है। इसके बाद डांडिया नृत्य आता है, ये मारवाड़ में होता है। मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है और नवरात्रों में हाथों में डंडे लेकर के नृत्य किया जाता है। इन्हीं डंडों को डांडिया कहा जाता है। बिंदोरी नृत्य, ये मुख्यतः झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। होली और विवाह अवसर के अवसर पर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद में हम आते हैं अग्नि नृत्य की ओर। ये बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। जशनाती सिद्ध संप्रदाय के लोगों के द्वारा रात्रि में जागरण के समय नृत्य किया जाता है, जिसमें अंगारों को मुंह में लेने और अंगारों के ऊपर नाचने जैसे कर्तव्य सिद्ध संतों के द्वारा दिखाए जाते हैं। इंद्र नृत्य शेखावटी क्षेत्र में आता है। होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष ही स्त्री पात्रों का स्वांग रचते हैं। इसके बाद में शेखावटी क्षेत्र का एक और नृत्य आता है, चंग नृत्य। ये भी होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें मुख्य जो वाद्य यंत्र होता है वो चंग ही होता है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।